हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पनीर, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। मसाला पनीर की ये रेसिपी हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। पहले हिस्से में हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे और दूसरे हिस्से में हम मसाला तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम पनीर, आधी शिमला मिर्च जिसे हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और दो छोटे चम्मच पानी। मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले पनीर के साथ शिमला मिर्च मिक्स कर लेंगे, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और दो चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी मसाले हमारे सारे पनीर और शिमला मिर्च के पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाए। तो ये हमारा मिक्स तैयार है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में सेट होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ा चम्मच जीरा, 8 से 9 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 इलायची, 5-6 लौंग, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक कद्दूकस किया हुआ, आप इसकी जगह चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 छोटे चम्मच बेसन, एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 3 मीडियम साइज प्याज जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और 3 मीडियम साइज टमाटर, इन्हें भी हमने कद्दूकस कर लिया है। मसाला पनीर में पनीर के अलावा प्याज और टमाटर हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लाल प्याज ना लेके सफ़ेद प्याज लिया है। इसका मेन कारण यही है कि लाल प्याज में थोड़ी सी मिठास होती है और इसलिए हम उसे सलाद या फिर कच्चा खाने में ऐसे ही यूज़ करते हैं, जबकि सफ़ेद वाला प्याज हम ज़्यादातर ग्रेवी डिशेज़ में यूज़ करते हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद प्याज लिया है। ये ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस भी ऐड करता है। दूसरी बात ये कि हम ढाबा स्टाइल डिश बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ प्याज को मोटा मोटा कद्दूकस किया है और यहाँ प्याज को कद्दूकस करने के लिए हमने इस तरह की किसनी का इस्तेमाल किया है। इस किसनी से प्याज थोड़ा मोटा कसा जाता है, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट और भी अच्छा निखर के आता है। अगर आपके पास इस तरह की किसनी अवेलेबल नहीं है तो आप प्याज को बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद यहाँ हमने लिया है 2 बड़े चम्मच घी और साथ में 4 बड़े चम्मच तेल। गार्निशिंग के लिए लिया है थोड़ा सा फ्रेश धनिया। तो अब कढ़ाई हमने गरम करने रख दी है। मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सही में ढाबा वाला टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ नॉनस्टिक का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप कोई भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और साथ ही में घी। तेल और घी साथ में डालने से हमारे डिश को एक बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये गर्म हो जाने पे अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा थोड़ा भुन जाने पर इसमें हम सभी खड़े मसाले डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर तक चलाएंगे ताकि मसालों का सारा टेस्ट तेल में उतर जाए। मसाले हो जाने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम चलाते हुए अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को जल्दी पकाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि प्याज नीचे से कढ़ाई को चिपके नहीं। अगर प्याज नीचे से कढ़ाई को चिपक जाएगा तो वो वहीं से जलने लगेगा और इसके कारण हमारे डिश को भी एक जला हुआ सा टेस्ट मिलेगा।
प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, कसूरी मेथी। सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन ग्रेवी को बाइंड करके रखता है जिससे कि ग्रेवी में पानी नहीं छूटता। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश धनिया, इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी से तेल अलग ना होने लगे। आप देख सकते हैं कि साइड से तेल अलग होने लगा है, यानी कि हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें हम आधा चम्मच बचा हुआ नमक डालेंगे, क्योंकि आधा चम्मच नमक हमने ऑलरेडी प्याज को भूनते समय डाल दिया था। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। ये ग्रेवी बनके तैयार है और अब हम गैस बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। इसमें हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर और कैप्सिकम पीसेस डाल देंगे, क्योंकि हमने मैरिनेट करते टाइम इसमें नमक डाला था जिससे पनीर में पानी छूटा, और इसीलिए हम इन्हें थोड़ा पका लेंगे ताकि इसमें कोट किए हुए मसाले थोड़े ड्राई हो जाए और अच्छा टेस्ट आए उनका। इन्हें हम हल्के हाथों से चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे तो ये पनीर और कैप्सिकम के पीसेस अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। हमें इन्हें बहुत नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ड्राई करना है, और इसलिए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो एक तरफ हमारी ग्रेवी तैयार है और दूसरी तरफ हमारे पनीर और कैप्सिकम के पीसेस भी तैयार हैं। इन सभी पीसेस को अब हम एक एक करके ग्रेवी में डाल देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर के पीसेस टूटे नहीं, और इन पे अच्छी तरीके से मसाले की कोटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला पनीर मिक्स होकर एकदम तैयार है। इसे थोड़ी सी फ्रेश धनिया डालकर हम गार्निश कर लेंगे। और ये ढाबा स्टाइल मसाला पनीर हमारा बनके खाने के लिए एकदम तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म फुलके के साथ सर्व कीजिए और बस वाह वाही बटोरते जाइए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।